नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आपका सोमवार का मार्केट कैसा रहने वाला है, यानी कि 10 जून का। जी हां दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन जानते हैं। इसके साथ साथ टाइम फ्रेम जानते हैं, लेवल भी आप ले सकते हैं। और आप जिसमें कि गोल्ड है, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, इन सभी का प्रेडिक्शन आप एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के आधार पर गणना निकाली जाती है, जो कि बड़ी सही और सटीक साबित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको जून के लिए गोल्ड प्रेडिक्शन दिया गया था मंथली का, जिसमें कहा गया था कि मार्केट में जो तेजी मंदी की तारीखें दी गई थी, तो उसमें एक तारीख थी 7 तारीख। जी हाँ दोस्तों, 7 तारीख के दिन डाउन के संकेत कहे गए थे। तो आज हमने देखा कि गोल्ड भी 1600-1700 पॉइंट डाउन हुआ, और इसके साथ जो है आपका सिल्वर लगभग 4500 पॉइंट जो है डाउन की तरफ गया। तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर एक अनुमान, एक अंदाज लग जाता है कि ग्रह क्या स्थिति बना सकते हैं, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन बतलाती हूँ। तो जी दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और इसके साथ यदि आप मार्केट में काम करते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका दिखला सकते हैं, बनवा सकते हैं। और इसके साथ कोई कंपनी का आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके जान सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, इसके साथ डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। और निर्देश यही ध्यान में रखिए कि हमारी सारी गणना एस्ट्रोलॉजी के आधार पर आधारित रहती हैं। जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वाविवेक का उपयोग जरूर करें, इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट में जो है कल शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, तो शुक्र का भी अपना विशेष प्रभाव कई बार देखने को मिलता है। तो मैंने कहा था जो मार्केट का रुख दिखेगा उसी तरफ मार्केट आपका जा सकता है। तो आज हमने देखा था कि मार्केट जो है तेज़ी की तरफ गया और तेज़ी का रुख ही हमें समझ में आया। तो इस प्रकार से एक गणना के आधार पर एक अनुमान, एक संकेत मिल जाता है। कभी कभी ग्रहों की स्थिति ऐसी रहती है कि मार्केट को देखने के बाद ही सही और सटीक अनुमान और अधिक जो है क्लियर हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सोमवार की मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या स्थिति बनेगी। तो जो है सोमवार का दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र रहेगा रात को 9:40 तक। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव कर्क राशि पूरे दिन रहने वाली है, और इसके साथ जो है 2 नक्षत्रों का भेद होगा, यानी आपके पुष्य पहले तो पुष्य नक्षत्र रहेगा 9:30 तक, इसके बाद जो है अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आएगा रात से। पूरा फाल्गुनी, सद्भिषा, ज्येष्ठा, इनका जो है भेद होगा, और अश्लेषा नक्षत्र में मघा, धनिष्ठा और अनुराधा, इन नक्षत्रों का भेद होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, विशेष मार्केट की स्थिति हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन ग्रह योग क्या स्पष्ट कर रहे हैं वह आगे आप लोगों को बतलाऊंगी। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आपका राशिफल क्या कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा कर्क राशि में है, और जो है कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जो है पुष्य नक्षत्र रहने वाला है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अब इनके प्रभाव से मार्केट किस दिशा में जाएगा वह आप लोगों को आगे बतलाऊंगी। सबसे पहले हम राशिफल का अवलोकन करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए यदि हम देखेंगे तो लाभ के योग बन रहे हैं, काम करके लाभ ले सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं, काम करके लाभ ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं, काम करके लाभ ले सकते हैं। कर्क राशि वालों को हानि हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए भी हानि के योग समझ में आ रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों को यदि हम देखें तो मिश्रित योग हैं लाभ हानि के। यदि प्रॉफिट मिल जाता है तो बाहर हो सकते हैं, दोबारा ट्राई ना करें। मकर राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पूर्ण हानि के योग समझ में आ रहे हैं। इसके साथ मीन राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। जी दोस्तों, जिन भी राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं वे काम करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि
जो राशियाँ कहीं जाती हैं, किसी किन्हीं किन्हीं लोगों का फल जो है गलत हो जाता है, यानी कि यह राशि फल आपको जो सूक्ष्म प्रिडिक्शन रहता है अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका से करवाना चाहिए, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, 9 नक्षत्र होते हैं और करोड़ों लोग रहते हैं, तो जिनका भी बहुत सटीक जो ग्रह स्थिति मिल जाती है उनका पूरा राशि फल सही हो जाता है, और जिनकी नहीं मिलती है उनमें अंतर आ जाता है। तो सूक्ष्म प्रिडिक्शन आप अपनी जन्म पत्रिका से करवा सकते हैं राशिफल का भी। तो आगे हम देखेंगे कि क्या ग्रह स्थिति बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक लगातार जो है कई वर्षों से निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड सिल्वर इन सभी का प्रिडिक्शन दिया जाता है और बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं और बड़ा सही प्रिडिक्शन जाता है और इसका लाभ भी लोगों को देखने को मिलता है, प्रॉफिट भी लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें जितनी मेहनत की जाएगी यह उतना ही अधिक सूक्ष्म फल प्रदान करता है। और जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मार्केट क्या स्थिति बना सकता है। आजकल जो मार्केट की स्थिति बन रही है और जो लेवल्स चलते हैं वह किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आज की जो ग्रह स्थिति बन रही है, यानी सोमवार के दिन मार्केट की क्या बन सकती है, तो यदि हम देखेंगे सोमवार के मार्केट में भी हमें कुछ मिक्स ट्रेंड में हो सकता है, हमको मार्केट जो है कुछ पॉजिटिव के संकेत दिखला सकता है, ऐसे ग्रह योग से संभावना समझ में आ रही है। और जो कि लग्न जो कुंडली बनी हुई है 9 बजे की, उसके अनुसार चंद्र मंगल की जो है दृष्टि युति बनी हुई है, तो मार्केट का रुख समझ लें, इसके बाद ही काम करें। जानकारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और बहुत से लोगों के मैसेज रहते हैं कि आपसे संपर्क कैसे किया जाए, तो जी दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कार्यालय का नंबर दिया रहता है इसी पर आप संपर्क करके जो है जानकारियाँ ले सकते हैं, जन्म पत्रिका दिखला सकते हैं। यदि आपको लगातार लॉस हो रहा है तो यह भी जान सकते हैं कि मार्केट से लाभ के योग हैं या नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ कम लोग ही अपनी किस्मत बनाने आते हैं और कईयों को नुकसान इसमें हो जाता है। तो जो है अपनी जन्म पत्रिका से पहले योग विचार कर लेना चाहिए कि किस प्रकार के योग बने हैं, क्योंकि सेक्टर के अनुसार भी अलग अलग ग्रह नक्षत्र योग प्रदान करते हैं। कुछ लोगों को MCX में फ़ायदा होता है, कुछ NDCX में काम करते हैं और कुछ जो रहता है स्टॉक में काम करते हैं। तो यह ग्रहों के आधार पर ही निर्धारित होता है कि कौन से सेक्टर में आपको काम करने से विशेष लाभ के योग मिलते हैं, और जब हम इनके विपरीत काम करते हैं तो बराबर नुकसान ही हमको उठानी पड़ती है। कई लोग जो रहते हैं ऑप्शन में काम करते हैं, नहीं फलता है, और इसके अनुसार अलग स्टॉक लेकर के काम करते हैं, उनमें उनको प्रॉफिट होता है। तो जी दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार एक अनुमान एक अंदाज समझ में आ जाता है कि हमें किस सेक्टर में काम करने से लाभ के योग मिलेंगे और कौन सी ग्रह दशा आपको चल रही है। यदि वह लाभ देने वाली है तो निश्चय ही लाभ होगा, और हानि वाली है तो आपका सारा पैसा नुकसानी में चला जाता है। तो यह थोड़ा सा विचार कर ले, मैं जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।